हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को कुर्ती की कटिंग बताएंगे बनारसी फैब्रिक्स पर। देखिए, चार फोल्ड में पहले कपड़ा को फोल्ड कर लिए हैं और जिस तरफ बंद है, खुला तरफ आपका आर्मोल होगा और बंद तरफ गला का कटिंग होगा। अब देखिए, शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच और शोल्डर फिटिंग रखेंगे हम 3 इंच, गला के लिए लेंगे हम 2.5 इंच, हो गया। अब देखिए, आर्मोल का लंबाई रखेंगे हम 5.5 इंच। अब इसको इसी तरीके से चरखुट करेंगे और फिर गलाई का शेप दे देंगे आर्मोल का अच्छे से। अब देखिए, गला का डीप हम रखेंगे 6 इंच, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों ही हम बराबर का रखेंगे। इसको गलाई का शेप दे देंगे क्योंकि आगे और बैक साइड दोनों हम गोल का ही शेप रखेंगे, इस वजह से इस तरीके से। अब देखिए, हमारा चेस्ट हम रखेंगे, पूरा फिटिंग आएगा 8 इंच पर, 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब देखिए, कमर का लंबाई हम रखेंगे 15 इंच या 15.5 इंच, इस तरीके से। अब देखिए, कमर का चौड़ाई हमें रखना है 11 इंच। इस तरीके से थोड़ा सा गोलाई करते हुए अंदर तरफ और दाग देना है और फिर सीधा लाइन ड्रॉ करके कटिंग कर लेना है। अब देखिए, कुर्ती का पूरा लेंथ है हमारा 38 इंच का। अब जैसे जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे सिंपल कटिंग कर देना है। अब देखिए, अस्तर को भी वैसे ही सेम हम 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और जो मेन फैब्रिक्स पर हम कटिंग किए हैं उसको उसके ऊपर रख के और कटिंग कर देना है।
इस तरीके से कटिंग करना है पूरा में। तो बैक साइड फ्रंट साइड दोनों साइड का कटिंग हो गया है। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए कपड़ा को पहले हम चार फोल्ड में फोल्ड करेंगे इस तरीके से। उसके बाद देखिए स्लीव्स का चौड़ाई हम रख रहे हैं 6 इंच और स्लीव्स का शेप देते हुए कटिंग करेंगे। और अगर आप लोगों को स्लीव्स का कटिंग एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो आप लोग सीख सकते हैं, मेरे चैनल में डला हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए स्लीव्स का कटिंग हो गया, ये हो गया कपड़ा का फैब्रिक्स का एक तरफ का, इसमें एक तरफ का है और अस्तर भी है। तो देखिए पूरा कटिंग हो गया है। स्टिचिंग का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।